राम राम सभी को। सुबह जो खाली पेट पानी लेती हूँ, आज और एक ही वीक हो जाएगा मेरे को एप्पल साइडर विनेगर लेते हुए। आज और लूँगी तो फिर कल से दूसरा स्टार्ट कर दूँगी मैं। तो एप्पल साइडर विनेगर मैंने डाल लिया है, और साथ में मैंने अपने जो मलाई जमाती हूँ मक्खन के लिए, उसमें रई लगा दी है। तो लगा दी पर पानी ठंडा नहीं था मक्खन निकालने में। फिर वो पानी फ्रिज वाला पानी लेता है मेरा दूध, तो वो मैं भूल गई थी, तो काफ़ी परेशान किया। फिर बर्फ़ का डाल कर और फिर निकाली। आज मैं कर रही हूँ, पहले मैंने स्टार्ट कर ली थी, वार्म अप कर लिए थे, और मेरी जो सर्वाइकल की करती हूँ वो कर ली थी, और उसके करने के बाद मैं लगी थी बर्पी करने। बर्पी के मैं 3 सेट करती हूँ। 3 सेट में मैं 75 करा करूँ, पर आज 60 ही करे थे। फिर ये स्टूल वाली नीचे बेली फैट जो होती है, नीचे का जो पोर्शन होता है स्टूल पर बैठ कर, उस पर अच्छी एक्सरसाइज होती है। आज सारी बेली के लिए ही मैंने की थी बर्पी, में यूं था फुल बॉडी हो जाती। और हेलो एवरीवन, राम राम, नमस्ते, कैसे हैं सभी? उम्मीद है सभी ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। मैं संतोष गहलोत स्वागत करती हूँ आपके अपने एस जी व्लॉग्स एंड टेरिस गार्डनिंग के एक और नए व्लॉग्स में। आज सभी एक्सरसाइजों के मैंने एक साइड से 20-20 ही किए हैं, आज ज़्यादा नहीं किया, लेकिन ना कई बार तो मैं बहुत ज़्यादा कर लेती हूँ। अभी कई दिन से बिजी है, शेड्यूल था, पर कम नहीं है। एक साइड से 60 हो जाएँ तो कोई नहीं, काफ़ी है ये भी। राम राम, टाइम हो गया है, 9 बजने वाले हो रहे हैं। तो कल कंबले रजाइया ले आई थी इनका धूप लाने के लिए, ऊपर आई थी सुखाने के लिए, तो सभी के मैं वहाँ लेके आए थे। तो कोई दिन में को लाखों के हाथ लगे हैं, तो थोड़ा सारा दिन धूप में डालते हैं, तो ये बेकार मूली फाड़नी है। कुछ मूलियाँ फाड़ रही हूँ, मूलियाँ की है ज़रूरत परांठे बनाने में, देखती हूँ निकलेंगी। गोभी हार्वेस्ट करती हूँ, गोभी के परांठे बनाने हैं, और एक दो मूली तो मिक्स करके नर बनाऊँगी। एक बार इनको हार्वेस्ट कर लेती हूँ, क्यों देर होने लग रही है, फिर तो फटाफट से इनको निकलती हूँ मूलियों को, और इनको हार्वेस्ट करती हूँ दो गोभियों को। फिर असल में वो बात बातों में टाइम चला जाता है ना, बता रही थी मैं, नंदे आई हुई हैं तो बैठे रहते हैं, नौ यूं ही बच जाते हैं। सब्जी तो मैं बनाया ही टिफ़न के लिए, तो पर अब सुबह सब्ज़ी कोई नहीं खाओगा। चटनी बना के आई हूँ धनिया की, उसके वो तो मैं सुबह ही तोड़ ले गई थी धनिया और चना, तो वो भी बनाई, और सारे काम हो रहे हैं, बस यही रह रहे हैं ना। मूली की कमी पड़ गई थी तो मूली फाड़ने के लिए ही आई थी मैं। मूली ले लूँ और गोभी ले लूँ, मिक्स हो जाएगा फिर दोनों का। मूली भी कम है ना, 2 ही 3 मूली है। फिर था ब्रेकफास्ट का टाइम, लंच और ब्रंच इकट्ठा ही था, तो स्टफिंग परांठे परांठे भी, जिसने परांठा खाना था परांठा, और जिसने स्टफिंग करवानी थी स्टफिंग कर दी थी। गोभी और मूली कस लिया था, और साथ में कल बेटे ने पनीर की भुर्जी बनाई थी, वो यूं की यूं रखी हुई थी, तो वो परांठे में ही डाल दी थी। मैंने अपना पनीर का बनाया था, क्यों प्रोटीन भी हो जाएगा। वेलकम बैक, नहा धो लिए, काम वाली काम कर गई, ननदे गई, फ्री ही हो गई, खाली हो गया, बिल्कुल ही खाली खाली हो गया, एकदम न्यू हो गया ना, कुछ शांति सी है ना। 3-4 दिन हो गए थे शोर शराबा हो रहा था, पर अब एकदम जैसे यू बिल्कुल ही शांति, जैसे कोई नहीं है घर में, सुनसान सा हो गया। जो कहा तो कहना, अब अपनी मेरी ग्रीन टी बनने लग रही है, लेट हो रही हूँ थोड़ी ही ग्रीन टी में, फिर करूँगी वीडियो की एडिटिंग कल वाली की। अपनी ग्रीन टी लेके आई हूँ, ग्रीन टी पीती हूँ, फिर आज अपने पौधे की करती हूँ कटिंग सेटिंग। कई दिन हो गए बिल्कुल ही, सैटरडे के बाद संभाले ही नहीं है जाकर ना, आज वेडनेसडे हो गया है। पी के ग्रीन टी और करती हूँ, काफ़ी टाइम लगेगा आज तो, पर एक दिन में नहीं होएगा, कई दिन लगेंगे अब मेरे को। तो फिर मैं लगी थी, मैंने अपने बोगनविलिया के ना कई कलर ऐसे थे जो हमारे यहाँ लोकल मार्केट में नर्सरी में नहीं मिल रहे, तो ये कलर दूसरे वाले हैं, तो मैं देखते हैं मंगा के ना। तो भाई ने कह दिया था इनकी ओपनिंग करते हुए वीडियो बना लेना, और कैसे करनी है वो भी उसने वीडियो भेजी थी, तो उसी हिसाब से मैंने करी थी, क्यों उनको भी होता है ना। फिर कल नहीं, यूँ कह दे अच्छी तरह से नहीं भेजे थे, तो अच्छे करे हुए थे उसने पैकिंग, पैकिंग अच्छी की हुई थी, कई दिन का चला हुआ है, तो इसमें पत्ते तो चढ़े हुए हैं, और तो ठीक है, पौधे की कंडीशन तो ठीक आई हुई है, और देखते हैं कलर वही है या नहीं है, खिलने के बाद पता लगेगा। काम मेरा हो गया तो गन्ना चूसती हूँ आज बैठ के ना, किसी ने चूसना हो तो आ जाइयो, गन्ने बहुत आ रहे देखती हूँ चूस के, पंगा ये पड़ेगा, आगे वाला दांत यूज नहीं करने, दोनों फीलिंग हुई हुई है साइड से छू लूँगी और साइड से चूसूँगी, गन्ना नरम है सॉफ्ट है काफ़ी, आज मुँह की पूरी एक्सरसाइज होनी है गन्ना चूसने से, एक ही चूसया करूँगी एक एक ही, नहीं नरम है सॉफ्ट है काफ़ी गन्ना, चूस लेती हूँ बैठ के। वेलकम बैक फिर से,
कुछ का सस्पेंस है वो दूर कर देती हूँ। कुछ बहनों का ना जो 32 बार कर रही है रुनसान, या तो 32 बार करने में गड़बड़ हो रही है कहीं ना कहीं, या हो नहीं पा रहा। तो मेरे को तो यूं ही लगता है कहीं ना कहीं गलती हो रही है ना, पूरा 32 बार आप काउंट नहीं कर रही, ये चीज़ हो रही है। 32 अपना टाइम सेट करके चला करो, मैंने इतनी देर में खानी है। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी, जब भी आप प्लेट लेके बैठते हो तो अपना आधा घंटा मान के बैठो, आधे से ज़्यादा लग जाए तो कोई बात नहीं। कई लोग तो 1-1 घंटा लगा देते हैं। पेशेंस के साथ बैठ के खाना खाओ, जल्दबाजी में मत खाओ। सबसे पहले तो टिप्स यही है, हो जाएगा धीरे धीरे, होता है। शुरुआत यूं ही होती है, जैसे मैं 32 बार कर रही हूँ और मेरा नहीं होता, तो वो शायद 32 बार नहीं हो रहा आप लोगों का, तो इसलिए कहते हो कि हमारा नहीं हो रहा। तो शुरू पानी ज़रूर पियो और अपना कोसा पानी लेने लग जाओ। और सुबह खाली पेट जो होता है पानी लेते हैं हम, उसमें बेशक 2 गिलास पर हम पानी ले सकते हैं गुनगुने पानी के। सुबह का जो हमारा होता है खाली पेट जो हम पानी लेते हैं, तो वो एकदम हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, जो फिर वह हमारी वेट लॉस में हेल्प कर रहा है। उसी के कारण ही हमारा मेटाबॉलिज्म हमारा स्लो होता है, उसी के कारण हमारा वेट बढ़ता है। इसीलिए सुबह सुबह 2 गिलास गुनगुना पानी ले लो। और आफ्टर 30-30 साल के बाद कोई भी हुआ लेडी, खासकर लेडीज़ में, और नहीं तो सभी में, ज़्यादातर में ही हो जाता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, फास्ट नहीं होता। और दोपहर बाद तो बिल्कुल ही स्लो हो जाता है। इसीलिए सुबह कहते हैं ना गुनगुना पानी लिया करो, अगर थोड़ा हैवी मिल लेना होता है तो सुबह लेवा। मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है तो वो हमारे फैट में कन्वर्ट नहीं करता, तो वो हम खाना खाते हैं उसका ग्लूकोज धीरे धीरे हमारी बॉडी में वो होता है और मेटाबॉलिज्म उसको धीरे धीरे छोड़ता रहता है। तो ये चक्कर होता है, इसीलिए कहते हैं कि दोपहर से पहले मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। तो सुबह सुबह बेशक हेल्दी खा सकते हो, ये नहीं है नहीं खा सकते, भरपेट खा कर ना रात को, दोपहर को, रात को फिर हड़का कर सकते हो सुबह ढंग से करके। हाँ, पर अपना टाइम सेट करके चलो, आधा घंटा मान के चलो, अगर ज़्यादा टाइम लग जाता है तो कोई बात नहीं है। बीच में कोई एक आध बार, जैसे अब नंदे आई हुई थी तो बीच में को स्किप भी हो जाता है, एक आध बार। अब की बार मेरा 1-2 बार स्किप हुआ है, तो पूरा 32 बार नहीं हुआ। तो मेरे से पूछ रहे हैं कि आप क्या लेते हो, मेरा अलग होता है, मेरी बॉडी अलग है, आपकी बॉडी अलग है। मैं तो शाम को ये एक फीकी चाय लेती हूँ, चाय के साथ, या तो मैं इतने एक मखाने लेती हूँ, यूँ नहीं है मैं कटोरा भर के खा लूँ। कटोरा भर के खाने में कितनी कैलरी होती है, मैं अपनी कैलरी का भी ध्यान रखती हूँ, 1200 तक मैं अपनी कैलरी रखती हूँ, और मैं अपना प्रोटीन का भी रखती हूँ। जितना मेरा वेट है मैं उस हिसाब से प्रोटीन लेने की कोशिश करती हूँ। मैं यूँ देखती हूँ कि इस चीज़ में कितना प्रोटीन है। तो मैं तो आपको भी यही सलाह दूंगी, कोई भी चीज़ खरीदते हो या खाते हो उसमें यूँ देखो कितना प्रोटीन है, जो आपकी बॉडी का वेट है उसके हिसाब से आप प्रोटीन ले लो। प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है। तो मेरे वाली डाइट आपको नहीं होएगी, जो मेरी होती है कोई ऐप डाउनलोड कर लो, नहीं मैं तो गूगल से ही अपना देखती हूँ। मेरा नॉर्मली मेरे को ज़्यादातर पता ही हुआ है, मैं तो अपना स्लिप पे लिख के रहती हूँ, एक नोटबुक है मेरी तो पड़ी हुई, उसमें ज़्यादातर लिखा ही हुआ है। फिर मेरे को आइडिया भी आ रहा है, मेरी कटोरी इतनी इतनी होती है तो पता होता है इसमें कितनी आएगी, मूँगफली में ले रही हूँ तो कितना प्रोटीन हो जाएगा और कितनी कैलरी है। कई साल पहले मैंने बताया भी था, मैंने ली थी डाइट ली थी मैंने, तो उसमें मेरे को था, मैं तो वो स्केल वो भी लेके आ रही हूँ किचन में, जो वेट करने वाली वेगिंग मशीन होती है छोटी किचन वाली, वो भी रखी हुई है मेरी तो मेरे पास, तो मैं तो उस हिसाब से उस पर भी कर लेती हूँ अपनी, कितना वेट करूँ कितना होएगा। 6 महीने का अपना पूरा कोर्स करा हुआ था, तो मेरा वाला डाइट आपको नहीं सूट करेगा। आप अपना डाइट प्लान बनाओ, एक यूँ बना लो एक पेज पर, तो मैंने कितनी कैलरी लेनी है और कितना प्रोटीन ले रही हूँ मैं। कैलरी ज़्यादा मत लो, कम बेशक हो जाए, ज़्यादा मत लो, थोड़े कार्ब्स कम कर लो, कार्ब्स में रोटी होती हैं। तो मैं तो हाँ एक चीज़ हो, रोटी होती, रोटियों पीछे भी आप कौन सी रोटी ज़्यादा खाते हो, मैं रोटी कौन सी है भी खा लेती हूँ। अब सर्दियों में हमारे जैसे हरियाणा में तो बाजरे की ज़्यादा बनती हैं, बाजरे की ले लेती हूँ मैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, एक रोटी बाजरे की खा लेती हूँ मैं। तो कोई भी रोटी खा सकते हो, जो है ज्वार है ओट्स है ये भी बनाती हूँ मैं, कई बार देखा भी होगा मेरी ज़्यादातर वो भी बनती हैं। जिस दिन मेरा बाजरे के खाने को मन नहीं करता तो उस दिन मैं जो किया ज्वार किया, ज्वार की अब कम बनाती हूँ, उसके बजाय मैं बाजरे को ही प्रेफर करती हूँ, या ओट्स की फिर मैं बना लेती हूँ, रागी की बन जाती है। यही 4-5 आटे हैं जो मैं बनाती हूँ, राइस में बनाती हूँ मिलेट्स के, मोटे वाला मिलेट्स, लिटिल मिलेट्स हैं वो, 500 मिलेट्स मेरे पास हैं जो पॉजिटिव मिलेट्स हैं, तो उनकी मैं बनाती हूँ। वो अमेजोन पे भी है, वो अगर आपने वो करने हैं ऐड तो उनको देख सकते हो। आप अपने आप कोशिश करोगे ना, यूँ देखोगे मेरी बॉडी में मैं क्या खा रही हूँ और किससे वेट बढ़ रहा है। वेट करने वाली मशीन अपने साथ होनी चाहिए ना, घर में होनी चाहिए। तो उसमें यूँ एक दिन खाते हैं कोई अलग चीज़ खाते हैं तो अगले दिन पता लग जाता है कि मैंने क्या खाया था तो मेरा वेट क्यों बढ़ा है।
तो उस चीज़ को फिर छोड़ा जा सकता है। फिर मैं फाइबर ज़्यादा रखती हूँ अपनी उसमें, जैसे तो सैलड पत्ता, खीरा, मूली, ये चीज़ मेरे होती हैं, और सैलड पत्ता भी मैंने अपनी छत पर लगाए हुए हैं ये चीज़ें, तो ये मैं ज़रूर ऐड करती हूँ। फाइबर वाली चीज़ें मैं रखती ही रखती हूँ। हाँ, पर मैं जैसे कई है ना, दोपहर को लंच करने के बाद डिनर नहीं करते, डिनर में मैं करती हूँ, मैं अपना या सूप वगैरह बना लेती हूँ, मेरा सूप वगैरह होता है। अगर मेरा नहीं, मैं ज़्यादा देर फिर भूखी नहीं रहती। 2 बजे लंच करने के बाद कई होते हैं ना, स्किप कर देते हैं, तो मैं उस चीज़ को स्किप नहीं करती। मैं अपना ले लेती हूँ, या तो टोमेटो सूप ले लेती हूँ, या वेज सूप बना लेती हूँ, या फिर सैलेड होते हैं स्प्राउट्स वगैरह का डाल के, अपना मूंग स्प्राउट्स करे रख रहती हूँ, तो वो स्प्राउट्स डाल कर सैलेड बना लेती हूँ, या और किसी चीज़ को जिस दिन यूँ हो आज भूख लग रही है तो उस दिन और कुछ बना लेती हूँ। कटलेट बना लिया, ओट्स में सारी सब्जियाँ डाल कर ना वो चीज़ बना ली, या ओट्स में लिक्विड सूप सा बना लिया सारी सब्जी डाल के, तो वो होती है। तो आपको अपनी बॉडी का खुद देखना पड़ेगा। मेरे वाली चीज़ें आपको सूट नहीं करेंगी। ज़रूरी नहीं होता है कि जो मैं कर रही हूँ तो वो आपको भी सूट करे, ठीक है ना। तो चलो, मैंने आज खिचड़ी बनानी है। लाली मैंने उतार दी है, बाजरे को बेकर रख दिया है। थोड़ी देर अब रेस्ट करूँगी, तो फिर शाम को मिलते हैं। 1 घंटे बाद ही शाम में हो रही है, 2:30 बज ही रहे हैं। आज लंच नहीं कराया ना, लंच और ब्रंच इकट्ठा ही था। मैंने गन्ना चूस लिया अब छत पर बैठ के, तो वहीं से उठ के आई थी, नींद आ रही थी धूप में से ना। टाइम हो गया शाम का, 4:45 हो गया, तो खिचड़ी बनाने लग रही हूँ आज बाजरे की। कई दिन बाद हमारी माँ ने मांग रखी है, मुँह मछाड़ा हो रहा होगा ना, बना दाते खिचड़ी खा लूँगी, 2 दिन आज बना दे मेरी, 2 दिन चल जाएगी, तो वही लग रही हूँ। सो गई थी असल में, उठी ना 3:30 बजे, उठी 2:30 बजे सोई थी, तो 1 घंटा है ऐसी कह रही नींद आई। तो कई दिन हो गया नींद पूरी नहीं हो जाए, नींद पूरी ना होती ना मुँह हो जाता है, जैसे स्वेलिंग सी हुआ, जो ब्लोटिंग सी हुआ है ना फेस पर, वह चीज़ हो जाती है। तो आज सही हो रहा है, अब 1 घंटा सोई हूँ मेरी नींद में। और पीछे चल रही हो भाटी फैमिली वाली बहन है, उसकी वीडियो साथ में यूँ ही काम करते हुए चला लेती हूँ, फिर वो उसकी पूरी हो जाती है वीडियो, जिसकी भी चलाती हूँ। और भूख लगी हुई थी, जैसे दिन में गन्ना चूस लिया था, सुबह सुबह 10 बजे ही मैंने अपना ब्रेकफास्ट किराया था, तो पनीर का परांठा अपना खाया था, परांठा नहीं था स्टफ करके मैंने अपना खाया था। तो फिर मैंने कुछ खाया नहीं था, क्यों भूख नहीं थी, फिर ग्रीन टी पी ली, फिर ऊपर बैठे थे धूप में गन्ना चूस लिया। तो अब अपना स्ट्रॉबेरी डाल के ना, और चिया सीड्स डाल लिए, मेलन सीड्स चिया सीड्स सारे डाल के ना, और शेक पी लिया अपना के ना। शेक पीने को मन कर रहा था, मीठे के लिए 2 खजूर उसमें डाल दिए थे। यो अब तक यही रखा है, क्यों यही खड़ी हूँ मैं, यही बैठे बनाने लग रही हूँ ना, खिचड़ी के पास ही खड़ी हूँ, कभी लग जाए ना। और अब करूँगी बर्तन साफ, ऊपर से छत से भी मैं अपनी रजाइयाँ उतार लाई, कपड़े उतार कर ना और फोल्ड कर दिए। एक बार रजाइयाँ दिखा देती हूँ कैसी हैं, रजाइयों के कलर ये पूरा सेट सही है, एक डबल की है और सिंगल की है, बोलती हैं ये सिंगल वाली है 1000 की है, ये सस्ती पड़ी हुई है, हमने तो वैसे सोचा नहीं था। मैं जिस तरह पहले ली हुई है ना 4500 की, तो उस हिसाब से होंगी। तो डबल वाली है 1500 की, वो 1000 की, 2500 सौदा है ये दोनों ही रजाइया। तो होलसेल में सस्ती मिलनी थी, इनके धूप लगवा दी सारा दिन, 2-3 बार इनको उलट पुलट कर आई थी, एक बार उधर से एक बार उधर से, तो अब इनको उठा कर न रख दूँगा। अब कर लेती हूँ बर्तन साफ, साथ ही साथ खिचड़ी बनती रहेगी। तो मैंने शायद अब रात को भूख लगे नहीं, क्यों चिया सीड्स डले हुए थे सेक में, तो चिया सीड्स भूख लगने नहीं देता। अगर मेरे को लगी तो थोड़ी बहुत खिचड़ी ले लूँगी, नहीं है नहीं, क्यों चिया सीड्स भी थे और पम्पकिन सीड्स भी थे, दोनों में फिर फाइबर ज़्यादा होता है, तो भूख नहीं लगने देगा। तो कल मिलते हैं फिर, तब तक के लिए राम राम।